इस मास्टर क्लास में हम सीखेंगे कि एक वीडियो क्राउजल ऐड कैसे बनाते हैं। देखो, क्राउजल ऐड के बारे में तो हर किसी को पता है, लेकिन वीडियो क्राउजल ऐड बहुत ही इनोवेटिव और बहुत ही नया चीज़ है जो कि काफ़ी ज़्यादा ऑडियंस को अपनी तरफ आज के डेट में अट्रैक्ट कर रही है। जब आप इस ऐड को खुद देखोगे तब पता चलेगा कि ग्राफिक में तो जस्ट अच्छा लगता है, लेकिन वीडियो में ये परफेक्ट लगता है। तो इस मास्टर क्लास में हम ए टू जेड पूरा सीखेंगे कि भाई क्राउजल ऐड का बेसिक भी समझेंगे, फिर उसमें कैसे बनाते हैं वो सब कुछ हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम टेक्निकल लैंग्वेज में समझते हैं कि क्राउजल ऐड होता क्या है। देखो, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे ऐड बहुत सारे ऐड के टाइप्स रन होते हैं, जैसे वीडियो ऐड, ग्राफिक, फोटो, बहुत सारे ऐड रन होते हैं। क्राउजल ऐड उसमें से ही एक है। जैसे स्लाइड के अंदर आप स्टोरी बताते हो, है ना, क्राउजल ऐड में एक बैनर नहीं होता या एक वीडियो नहीं होता, उसके अंदर सीरीज ऑफ बैनर्स होते हैं, सीरीज ऑफ वीडियोस होते हैं जिसके थ्रू आप अपनी स्टोरी बताते हो। और क्राउजल ऐड सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाला ऐड भी माना गया है कि अगर आप फेसबुक पर ऐड रन करते हो, तो अगर आप वीडियो प्रमोट करते हो या फिर आप ग्राफिक प्रमोट करते हो, तो उस सब में से सबसे अच्छा जो रिजल्ट आता है वो क्राउजल ऐड से ही आता है। तो ये बेसिकली था टेक्निकल ब्रीफ। अगर आप इसके बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हो तो यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो है जिसके बारे में क्राउजल ऐड के टेक्निकल में समझ सकते हो कि क्राउजल ऐड दिखता कैसा है या फिर उसको हम फेसबुक पर कैसे रन कर सकते हैं, ये सब आप इंटरनेट पर सीख सकते हो। तो बेसिकली मोटा मोटी यही था कि भाई क्राउजल एक ऐड का फॉर्मेट है जिसके थ्रू आप स्लाइड्स में ऐड रन कर सकते हो। मतलब एक ऐड आप रन करो, उसके अंदर स्लाइड होती है। अब स्लाइड में सबसे अच्छी बात ये होती है कि स्लाइड के थ्रू आप जो भी आप स्टोरी कन्वेंस करना चाहते हो आप स्टोरी को कन्वेंस कर सकते हो। तो बेसिकली टेक्निकल ब्रीफ में अगर बोला जाए तो क्राउजल ऐड बस इतना ही था, बाकी आप ऑनलाइन और भी ज़्यादा चीज़ पढ़ सकते हो। ठीक है, अब मेन पार्ट पे आते हैं कि क्रिएटिव पॉइंट ऑफ व्यू से क्राउजल ऐड कैसे वर्क करता है और यह होता क्या है। ठीक है, देखो, क्राउजल ऐड में दो स्टोरी साथ साथ चल रही होती है। फर्स्ट कंटेंट की स्टोरी और सेकंड आपके वीडियो, जो फुटेज आप ऐड करने वाले हो या ग्राफिक ऐड करने वाले हो उसकी स्टोरी। तो जो फुटेज होगा वो एक स्टोरी बताएगी, है ना, जो कंटेंट होगा वो एक अलग स्टोरी बताएगी। अच्छा, दो तीन चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि कॉन्टेंट बहुत ही क्रिस्प और बहुत ही छोटा हो। सेकंड चीज़, जो आप वीडियो शूट करते हो वो एक ही बैकग्राउंड पे हो, अलग अलग बैकग्राउंड पे नहीं हो, एक ही बैकग्राउंड पे शूट किया हो और डिफरेंट डिफरेंट पोजेज हो या डिफरेंट डिफरेंट स्टोरी हो उस वीडियो में। ठीक है, उसका भी एग्जांपल हम आगे देखेंगे। ठीक, सबसे पहले वीडियो की बात करते हैं कि वीडियो कैसा होना चाहिए। देखो, सिंपल है, अगर आप वीडियो के थ्रू कुछ स्टोरी बताना चाहते हो आपके पास बहुत ही लिमिटेड टाइम होता है, एक या दो सेकंड होता है। एक या दो सेकंड आप क्या बताओगे, एक या दो सेकंड में आप कुछ ऐसा चीज़ दिखा सकते हो कि जो आपके ऑडियंस पे तुरंत कनेक्ट हो जाए। जैसे कि मान लो कि आपको जींस का ऐड करना है, तो आपके पास चार फ्रेम मिलते हैं, तो चार फ्रेम में पूरे में जींस तो नहीं दिखा सकते, तो उसके डिटेलिंग में आपको जाना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट में आपने जींस की क्वालिटी दिखा दिया, सेकंड में आपने जींस का कलर दिखा दिया, थर्ड में आपने जींस के जो और भी फीचर्स है वो आप वहाँ पर दिखा दिया। तो इस तरीके से सेम बैकग्राउंड, सेम मॉडल, बट डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिकेशन आपको रखना है फर्स्ट। ठीक है, अब बारी आती है कंटेंट की, तो कंटेंट में भी आपको सेम स्टोरी चलानी है। जैसे कि मान लो कि एक कंटेंट हमने लिखा बी फैशनेबल, तो सेकंड वाले में क्या होगा, बी फैशनेबल नहीं लिखना, बी ट्रेंडी, है ना, बी ग्लैमर, बी, मतलब एक ही सीरीज का आप एक ही थीम पे आपको काम करना है, ना कि अलग अलग कंटेंट लिखना है। तो बेसिकली अगर मैं आपको नॉर्मल लैंग्वेज में अगर तो बेसिकली क्रिएटिव लैंग्वेज में अगर आपको क्राउजल ऐड समझना है तो आपको दो स्टोरी चलानी है, पीछे हम एक फुटेज की स्टोरी चलेगी, एक कंटेंट की स्टोरी चलेगी, सिंपल इतना ही है। तो अब देखते हैं कि हमारे पास क्या फुटेज, ये फुटेज मैंने ऑनलाइन फ्री में डाउनलोड किया है। आप गूगल पर अगर फ्री स्टॉक फुटेज ढूंढोगे तो बहुत सारी साइट्स हैं जहाँ पर आप इसको डाउनलोड कर सकते हो सीखने के लिए, और अगर आपको अपना क्लाइंट के लिए बनाना है तो आप ऐसा शूट करवा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे एक ही बैकग्राउंड पे एक ही दिन के एक ही टाइम के बहुत सारे यहाँ पे वीडियोज़ है, बहुत सारे यहाँ पे पोजेज है, मतलब पीछे की स्टोरी सेम है, है ना। अब इसके ऊपर जो मैं कंटेंट लिखने वाला हूँ वो ये कंटेंट है। आप देख सकते हो जस्ट इसमें एक वर्ड चेंज हो रहा है, बाकी सारे कंटेंट यहाँ पे सेम ही है। तो पीछे यहाँ पे दो स्टोरी चल रही है, एक स्टोरी चल रही है कि आपका वीडियो में है जो एक ही, और एक स्टोरी चल रही है कंटेंट में। तो ये बहुत ही सिंपल था। तो आई थिंक अब आपको समझ आ गया होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। कंटेंट दूसरे वाले कंटेंट से बिल्कुल भी अलग नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या है कि लोग कनेक्ट ही नहीं हो पाएंगे, उनको लगेगा यार फिर तो मैं बैनर को ही स्लाइड कर रहा हूँ। आपको क्राउजल ऐड के थ्रू स्टोरी दिखानी है, आपके ब्रांड में उसको लेके जाना, उसके इमोशन में उसको कनेक्ट करना है। अब बात आती है इमोशन की, तो अगर हम इस वीडियो पे ऐड बनाए तो इसके अंदर आप इमोशन कैसे डालोगे। इमोशन डालने के लिए होता है यहाँ पे फॉन्ट, क्या फॉन्ट यहाँ पे क्या चूज़ करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक फैशन ऐड बनने वाला है, तो फैशन ऐड के लिए सबसे बेस्ट फॉन्ट जो होता है वो आपका होता है सेरिफ, क्योंकि सेरिफ में चीज़ें क्लासी दिखती है। बट मैं चाहता हूँ यहाँ पे एक मॉडर्न टच भी रहे, एक क्लासी टच भी रहे, तो मैं दो फॉन्ट का यहाँ पे फ्यूजन करने वाला हूँ। ठीक है, एक सेरिफ का और सेंस सेरिफ का, दो फॉन्ट का मैं यहाँ पे फ्यूजन करने वाला हूँ। लेकिन दोनों फॉन्ट जो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ वो मॉडर्न सेरिफ है
और मॉडर्न सेंसरी पे, वो पुराने नहीं है कि भाई रोबोटो और बाकी सारी चीज़ें चल रही है। मैं यहाँ पे बिल्कुल ही फ्रेश फॉन्ट ले रहा हूँ, ठीक है। इस दोनों फॉन्ट का आप यहाँ पर नाम देख सकते हो, फर्स्ट जो फॉन्ट है वो सेंसरी जो मैं ये ले रहा हूँ, और सेकेंड जो है फॉन्ट है वो मैं ये ले रहा हूँ सेरिफ का, जो इसमें टच देने के लिए कि भाई ये एक फैशन वाला फील दे प्लस एक ट्रेंडी फील भी दे। जो आपका सेंस सेरिफ है वो ट्रेंडी फील देगा, और जो सेरिफ है वो जस्ट उसके अंदर एक फैशन का इमोशन ऐड करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे समझा भाई क्राउजल ऐड होता क्या है, उसके बाद हमने क्रिएटिव पॉइंट ऑफ व्यू से क्राउजल ऐड को समझा, और उसके बाद हमने फुटेज देखा, और अब हमने यहाँ पे फॉन्ट को फाइनल कर लिया है कि हम यहाँ पे कौन सा फॉन्ट यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, ठीक है। अब बारी आती है कि इस ऐड का टेम्पलेट बनाने का, ठीक है। देखो यहाँ पे टोटल आपके ऊपर है कि आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो। आप सब कुछ अगर आप जितने भी चीज़ यहाँ पे यूज़ करेंगे, अगर चाहते हो कि आपको दूसरा सॉफ्टवेयर को यूज़ ना करना पड़े, तो आपको यहाँ पे आफ्टर इफेक्ट्स यूज़ करना चाहिए, ठीक है। बट मैं चाहता हूँ कि मैं फोटोशॉप में भी कुछ चीज़ें कस्टमाइज करूँ, कुछ चीज़ें मुझे अपने हिसाब, क्योंकि मैं एज अ डिज़ाइनर मैं फोटोशॉप में जब डिज़ाइन करता हूँ तो जब तक मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होता तब तक मैं आगे नहीं बढ़ता। अगर आप फोटोशॉप में बहुत काम करते हो, आफ्टर इफेक्ट ज़्यादा करते हो, तो आपको यहाँ पे आफ्टर इफेक्ट करना चाहिए। लेकिन मैं फोटोशॉप पर ज़्यादा काम करता हूँ तो मैं यहाँ पे आफ्टर इफेक्ट चूज़ नहीं करूँगा, मैं प्रीमियर प्रो के साथ में इसका फ्यूजन करूँगा। मैं फोटोशॉप में डिज़ाइन करूँगा और प्रीमियर प्रो में इसको मैं एडिट करूँगा वीडियो को, ठीक है। देखो क्लाइंट को बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस चीज़ से बना रहे हो। ऐसा तो नहीं कि भाई आपने वीडियो भेजा और क्लाइंट ने पूछा अरे आफ्टर इफेक्ट बनाया, बोला नहीं तो नहीं मैंने ले रहा वीडियो। ऐसा उनको आउटपुट से मतलब है कि क्या आउटपुट उनको मिलता है, ठीक है। अब बारी आती है कि भाई अगर मैं प्रीमियर प्रो में बनाता हूँ तो मुझे कम टाइम लगता है, तो टाइमिंग ही यहाँ पे तो टाइमिंग का ही तो सब गेम है। जिस चीज़ से आपको कम टाइम लगे आप वही काम करो, ठीक है। सही गलत कुछ नहीं होता, सही और गलत जैसा यहाँ पे कुछ नहीं है। आप जब क्लाइंट को भेजते हो, क्लाइंट को पसंद आ गया, बस ठीक है, इसके आगे नहीं। लेकिन तब भी मैं कहूँगा कि अगर आप ये ऐड बना रहे हो तो आफ्टर इफेक्ट में बनाओ, अगर आप आफ्टर इफेक्ट में अगर आप कंफर्टेबल फील करते हो तो। मैं फोटोशॉप और प्रीमियर प्रो में बहुत ही कंफर्टेबल फील करता हूँ, तो मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ प्रीमियर प्रो और फोटोशॉप। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक टेम्पलेट बना लेते हैं, ठीक है। तो सीधा चलते हैं इसके लिए फोटोशॉप में। तो पहला स्टेप क्या है कि जो भी आप साइज़ का ऐड बना रहे हो, इस टाइप का साइज स्क्वायर फॉर्मेट में होता है। तो स्क्वायर मतलब जो आप हाइट ले रहे हो वो भी आपको वृत्त भी आपको सेम लेना पड़ेगा। तो मैंने जो यहाँ पे डिसाइड किया है वो मैंने किया है इसको 800x800। आप इसका बढ़ा भी सकते हो, 1080x1080 ही भी कर सकते हो, लेकिन तो यहाँ पे वीडियो फाइल है तो वीडियो फाइल मैं चाहता हूँ उसका MB में बहुत कम MB रहे, इसलिए मैं मिनिमम 800x800 कर रहा हूँ, जिससे मुझे MB में कम MB में ये चीज़ें मिल जाएगी। हो सकता है मुझे 1 MB में ही पूरी फाइल मिल जाए, जो कि ऐड के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या किया है कि वहाँ का स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे वीडियो का यहाँ पे ऐड कर दिया है, जिससे मुझे पता लगता रहे कि भाई कौन सी चीज़ें कहाँ जा रही है, ठीक। सबसे पहला जो यहाँ पे मैंने काम किया है वो मैंने यहाँ पे लोगो को प्लेस किया है। देखो लोगो प्लेस करने के लिए आप सिंपल एक इस टाइप से जस्ट आप बना सकते हो, ऐसा सिंपल सा एक जस्ट आपको ये बनाना है और इसका 100% इसको राउंड कर देना है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे बन के आ गया। लोगो मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, जस्ट एक टेम्परेरी ग्लैमी करके मैंने यहाँ पे लोगो लिख दिया, ये चलेगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे जो हमने टेक्स्ट लिखा था वो टेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया है, और दूसरा जो वर्ड है वो मैं यहाँ पे दूसरे फॉर्मेट में लिखूंगा, दूसरे टेक्स्ट में लिखूंगा, जस्ट एक फ्यूजन ऐड करने के लिए। और जस्ट डिज़ाइन एलिमेंट के लिए मैंने ऊपर नीचे एक एक लाइन मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है, ठीक है। और ऐसा मेरा दिखने वाला है, प्लस मैं यहाँ पे एक प्राइस टैग भी दिखाने वाला हूँ, तो प्राइस टैग को मैं यहाँ पे लेके आ गया हूँ, ठीक है। इस तरीके से बेसिकली मेरा ऐड दिखने वाला है। अब ये सारी चीज़ क्या है कि आप प्रीमियर प्रो में भी बना सकते हो। अगर आपको आपके पास बहुत टाइम है और आपको चीज़ें बनानी है तो आप यहाँ पे प्रीमियर प्रो के अंदर भी आप इसको बना सकते हो। वहाँ ही बनाना इतना मुश्किल है, वहाँ ही बनाना बहुत इजी है। कैसे वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है। लेकिन आपको लगता है आपके पास कम टाइम है, तुरंत क्लाइंट को देना है, तो आप मैं चाहता हूँ उसको टेम्पलेट की तरह आप इसको यूज़ करो। जैसा कि मैंने बताया कैसे बनाते हो मैटर नहीं करता, आउटपुट कैसा है वो मैटर करता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट लिया और प्रोजेक्ट मैंने यहाँ पे जाके प्रीमियर प्रो में गए, न्यू सीक्वेंस लिया और न्यू सीक्वेंस का मैं सेम साइज रखूँगा 800x800, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे ये फाइल यहाँ पे बन गई। अब आपको सेम टेम्पलेट जो कि यहाँ फोटोशॉप में देख रहे हो, सेम अगर आपको प्रीमियर प्रो में बनाना है वो भी पॉसिबल है। फाइल में जाइए, न्यू में जाइए और लेगेसी टाइटल, ओके ठीक है। यहाँ पे आपको देख सकते हो कि एक फाइल यहाँ पे खुल के आ गया है और आप इसको अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो। अगर आपको
एक लोगो का बनाना है तो आप ऐसे करके आप शिफ्ट होल्ड करोगे और आप इस तरीके से ड्रॉ करके और यहाँ पे आप लोगो लगा सकते हो। ठीक है, आपको टाइटल लिखना है तो आप टाइटल लिख सकते हो, लेकिन ये एक बहुत ही टाइम टेकिंग वाला, बहुत ही, अगर आप प्रीमियर प्रो के इससे कंफर्टेबल हो तो आप यहाँ डिज़ाइन कर सकते हो, लेकिन मुझे सबसे अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें फोटोशॉप में डिज़ाइन करके लाना। ये बहुत ही सिंपल है, इसमें करना क्या है, ये मान लो मैंने डिज़ाइन कर लिया, अब मैं सबको बंद कर दूँगा, अब सबको या मैं यहाँ पर सिंगल सिंगल इसको एक्सपोर्ट कर लूँगा, जैसे आपका ये आपका प्राइस टैग है, मैंने सारे लेयर्स को बंद कर दिए हैं, यहाँ देख सकते हो, और फाइल पे गए और एक्सपोर्ट, और इसको PNG फॉर्मेट में आप इसको एक्सपोर्ट कर लो। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे PNG फॉर्मेट में इसको मैंने एक्सपोर्ट कर लिया और मैंने लिख दिया यहाँ पे प्राइस। ठीक है, आप वहाँ पर जाके सीधा क्या कर सकते हो कि उस प्राइस वाले को जस्ट यहाँ पे इसके अंदर इम्पोर्ट करके जस्ट यहाँ पे मूव करोगे और ये यहाँ पे प्राइस आ गया। ठीक है, प्राइस तो चेंज करना नहीं, प्राइस तो सेम है। अब इसके नीचे आप जो भी आपका वीडियो है वो वीडियो आप यहाँ पे ला सकते हो, जैसे कि मेरे पास ये वीडियो है तो जस्ट मैं यहाँ पे वीडियो को ऐड करूँगा और इसके ऊपर जस्ट मैंने उसको प्राइस को ऐड कर दिया। अब वीडियो अगर बड़ी है तो इसको रिसाइज कर लो आप अपने हिसाब से, जैसे भी आपको सही लगे, और वीडियो को प्ले करके देखो, ये आपका यहाँ पे आ रहा है। ठीक, सेम उसी तरीके से आप यहाँ पे लोगों को भी आप सबको बंद कर लो और लोगों को जस्ट आप यहाँ पे PNG में इम्पोर्ट कर लो, PNG में एक्सपोर्ट कर लो, सॉरी, है ना। एक्सपोर्ट करने के बाद यहाँ पर आ गया लोगो, ये सब वन टाइम वर्क है, आपको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, अब मैं ये क्यों करता हूँ वो भी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, ये आपका आ गया लोगो, लोगो भी यहाँ सेट हो गया। अब मैं ये क्यों करता हूँ, देखो आफ्टर इफेक्ट में अगर आप ये करते हैं तो उसके अंदर जब बनाते हैं तो आपके पास टेक्स्ट पे लगने वाले इफेक्ट्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन प्रीमियर प्रो में टेक्स्ट काउंट नहीं करता है ना, आप टेक्स्ट वाले कोई इफेक्ट नहीं मिलेगा, आप कुछ भी डालो प्रीमियर प्रो उसको एज ए इमेज ही काउंट करेगा, तो जो भी इफेक्ट आप यहाँ पे डालोगे वो एज ए इमेज ही यहाँ पे अप्लाई होगा, है ना, सिंपल सी बात है। तो जब एज ए इमेज ही अप्लाई हो रहा है तो हम एज ए इमेज ही यहाँ पे डालते हैं, क्योंकि इफेक्ट तो वैसे ही काम करेगा, और प्रीमियर प्रो में बहुत लिमिटेड इफेक्ट होते हैं, और अगर आप बाहर से इफेक्ट डाउनलोड करते हो तो इफेक्ट मतलब जो एनिमेशन के इफेक्ट्स होते हैं वो यहाँ पे एज ए इमेज ही यहाँ पे काउंट करने वाला है। तो जब एज ए इमेज ही काउंट कर रहा है तो एज ए इमेज ही इसको लेके चलो ना, और आफ्टर इफेक्ट बनाते हो तो मैं बोलूँगा इसको जीरो से बनाओ सब कुछ, लेकिन यहाँ पे ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो एज ए इमेज यहाँ पे हो गई। अब थर्ड पॉइंट आता है कि आपके पास टेक्स्ट कौन सा है। ठीक है, तो आप ये टेक्स्ट को भी सेम वैसे यहाँ पे एक्सपोर्ट करो। ठीक है, यहाँ पे लिखो टेक्स्ट वन, और जस्ट मैंने इसको यहाँ पे, सॉरी टेक्स्ट का स्पेलिंग रॉन्ग हो गया, लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आ गया, सब अपने आप यहाँ पे सेट है। अब आप देखो आपको कहाँ पे क्या करना, आपका यहाँ पे ऐड समझो तैयार है। ठीक है, कितना ड्यूरेशन रखना है, क्या रखना है, टोटली आपके ऊपर। अब इसके अंदर आप कोई सा भी इफेक्ट, जो आप इफेक्ट डालना चाहो आप डाल सकते हो, गूगल पर जाओ, प्रीमियर प्रो प्रीसेट करोगे तो बहुत सारे प्रीसेट आपको मिल जाएंगे, मेरे पास भी कुछ प्रीसेट है, जस्ट मैं इसके अंदर ऐड करने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं मान लो कि मैं प्राइस वाला ऐड कर लिया, तो कुछ प्राइस हमें कुछ यूं दिखेगा। ठीक है, हमने लोगों के ऊपर हमें कोई इफेक्ट नहीं चाहिए, तो लोगों को मैंने स्टिल रखा है, और टेक्स्ट के ऊपर मुझे कुछ इफेक्ट चाहिए। ठीक, तो ये इफेक्ट यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक, अगर आपको ये इफेक्ट नहीं चाहिए तो मेरे पास बहुत सारे फ्लिकर वाले एक इफेक्ट है जो मैं यहाँ पर डाल सकता हूँ, तो जैसे मैंने ये किया तो ये इस टाइप से आ गया। ठीक, इसी तरीके से जितने भी स्लाइड्स आप बनाते हो सारे स्लाइड को आप बना लो, जब आप सारे स्लाइड को बना लोगे तो ये कुछ इस तरीके से आपका ऐड दिखेगा, जो कि एक स्टोरी कह रही है, और सारे टेक्स्ट और बाकी सारी चीज़ें भी यहाँ पे सेम हो रही है ना। जस्ट आपको इसको एक्सपोर्ट करना है, और एक्सपोर्ट कर दिया सारी चीज़ें आ गई। डिज़ाइन आप यहाँ पे कुछ भी बना सकते हो, लेकिन आपको दो चीज़ें ध्यान में रखनी है, फर्स्ट कि वीडियो के अंदर एक स्टोरी हो, ये नहीं कुछ भी वीडियो डाल दिया, ऐसा नहीं। ठीक है, दूसरी टेक्स्ट के अंदर भी एक स्टोरी हो या एक थीम हो, एक थीम फॉलो करना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे चार टेक्स्ट लिखा है, सिर्फ लास्ट के वर्ड चेंज हो रहा है, तो जो भी आप हेडिंग लिखते हो या कैप्शन लिखते हो कुछ ऐसे लिखो कि सिर्फ एक वर्ड चेंज करने पे ही चीज़ें चेंज हो जाए, कि एक ही चीज़ की आप एक स्टोरी बता रहे हो, सिंपल सी बात है। क्राउजल एड बेसिकली एक स्टोरी टेलिंग है, सिंपल, और कुछ नहीं है। क्रिएटिव वे में आप कैसे अपने प्रोडक्ट को स्टोरी टेलिंग के थ्रू बताते हो कि भाई ये प्रोडक्ट मेरा खरीद लो, सिंपल है। ठीक, अब जब आप इसको वीडियो के थ्रू बताते हो तो बहुत अच्छा लगता है, आप बहुत सारे जो अच्छे ब्रांड हैं उनके क्राउजल ऐड जब फेसबुक आते हैं तो आप वीडियो उसमें देखते हो, और परफॉर्मिंग ऐड वही अच्छा होता है जिसके अंदर वीडियो में भी एक स्टोरी होती है और कॉन्टेंट में भी एक स्टोरी होती है।
अब इसके अंदर आपको ऑडियो की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि क्राउजल ऐड में ऐसा कोई ऑडियो की जरूरत पड़ती नहीं है। चाहो तो आप ऑडियो डाल सकते हो, लेकिन ऐसा कोई ऑडियो की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे कोई क्लिक करेगा आपकी वेबसाइट पर लैंड होगा, तो वहाँ पर तो ये ऐड दिखेगा नहीं, वहाँ तो आपकी वेबसाइट दिखेगी। इसीलिए वीडियो के अंदर एक स्टोरी होनी चाहिए बिना ऑडियो वाला। भाई ऑडियो की जरूरत नहीं है, तब भी आप चीज़ों को कम्युनिकेट करो, जैसे कि मैंने आपको बताया, और दो या तीन सेकंड में आप क्या ही दिखा सकते हो। इसीलिए कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसा मूवमेंट होना चाहिए, ऐसी चीज़ होना चाहिए जिससे आप दो या तीन सेकंड के अंदर आप कम्युनिकेट कर रहे हो। तो उसके लिए दो ऑप्शन है, एक तो वीडियो में मूवमेंट और सेकंड उसके ऊपर टेक्स्ट क्या लिखा है। इसलिए मैंने आपको बताया कि भाई दो स्टोरी साथ में चलानी है आपको, एक वीडियो की और एक टेक्स्ट की। और ये जब फाइनल हो जाएगा तो ये ऐड कुछ इस टाइप का दिखेगा, जो फेसबुक ये ऐड कुछ इस टाइप का दिखेगा, आप यहाँ पे देख सकते हो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। और कौन ऐसे ऐड पे क्लिक नहीं करना चाहेगा, एक एटलीस्ट एक बार क्लिक करके तो वो जाके देखेगा ही कि भाई यहाँ पे क्या है, बस आपकी प्रॉब्लम यहीं पे सॉल्व हो जाती है। तो फिर हम यहाँ पे एक बार समराइज़ कर लेते हैं भाई हमने क्या क्या सीखा है। फर्स्ट हमें क्राउजल ऐड के बारे में समझा, जो कि ऑलरेडी इंटरनेट पे है, उसमें कोई बड़ा चीज नहीं, मैंने बता दिया ऑलरेडी इंटरनेट पे है। सेकंड क्रिएटिव वीडियो, जो इंटरनेट पे नहीं है, जो हमने सीखा कि भाई दो स्टोरी साथ साथ में चलानी है, और स्टोरी टेलिंग मतलब क्राउजल ऐड सिंपल, ठीक। थर्ड हमने सीखा कि अगर हम फैशन ऐड बनाते हैं तो दो फॉन्ट का फ्यूजन करना है, उसमें से मॉडर्न फॉन्ट होना चाहिए, मॉडर्न सेरिफ और मॉडर्न सेंस सेरिफ, जो कि मैंने ये दोनों फॉन्ट यहाँ पे चूज़ किया था, ठीक है। फोर्थ में हमने सीखा कि भाई टेम्पलेट बनाना और सॉफ्टवेयर को चूज़ करना टोटली आपके ऊपर है, कि आप कैसे कंफर्टेबल हो। क्लाइंट को बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता, या फेसबुक को बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता, जहाँ आप ऐड रन करने वाले उनको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक। और फोर्थ हमने सीखा कि ये कैसे बनाना है और कैसे इसको आप बाद में आप, या तो अगर आप फेसबुक ऐड रन करते हो तो खुद अपलोड कर लो, नहीं तो आप जो भी आपके लिए फेसबुक ऐड रन करता है आप उनको ये चीज़ें दे सकते हो। और बिलीव में इसका रिजल्ट आपके जितने भी ऐड चलाते हो सबसे बढ़िया आता है, ठीक। तो आई होप इस मास्टर क्लास से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। देखो वीडियो फ्यूचर है, हम सबको पता है, इसीलिए मैं एक कोर्स लेके आ रहा हूँ, मास्टर इन वीडियो एड्स। ये तो समझो उस कोर्स का पॉइंट समथिंग कुछ भी नहीं था, इसमें तो जस्ट मैंने वो चीज़ बताई जो इंटरनेट में था, लेकिन उस कोर्स के अंदर बहुत डिटेल में हम वीडियो एड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप सच में वीडियो एड्स में इंटरेस्टेड है तो वो कोर्स को आप एनरोल करो। अभी ये प्री बुकिंग पर चल रहा है, तो डिस्काउंट है, बहुत तगड़ा डिस्काउंट है, मेरी वेबसाइट पर जाकर आप इसको एनरोल कर सकते हो, ठीक है। तो मिलेंगे आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।